स्टॉक है अनिल जी, एक फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है IOL केमिकल्स एंड फार्मा, IOLCP के नाम से ये NSE में ट्रेड होता है। अभी 644-45 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक API बनाने वाली कंपनी है, इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो है आइबुप्रोफेन, जो कि पेन किलर के रूप में काम आता है। और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े थे या बढ़े हैं, तो उसके कारण से ये पेन किलर की डिमांड बहुत बढ़ी है, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होना है। पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। इस स्टॉक को मैंने पहली बार जो कोरोना शुरू होने के पहले वाला जो बजट था, अगर आपको याद हो, जहां डिवीज़ लैब मैंने रिकमेंड करा था, उसके साथ IOL केमिकल को भी 170-175 के लेवल पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है इस स्टॉक को। बाकी एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 44% का, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 62% का, और कंपनी ने पिछले जो साल भर में अच्छा परफॉर्मेंस के कारण अपने जो कर्ज है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। मतलब कर्ज अब डेट फ्री कंपनी हो गई है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43-44% की हिस्सेदारी है। FIIs अराउंड 6% ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है इसके नतीजे आने वाले हैं, आने वाले 7-10 दिनों में नतीजे आएंगे, और नतीजों पर मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये करंट लेवल 644-45 के लेवल पर खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 680 का और 630 रुपए का स्टॉप लॉस।